मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का बड़ा ऐलान किया है। मोदी कैबिनेट ने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। 1 अप्रैल 2025 से ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी यूपीएस का फायदा मिलेगा। 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी। खास बात यह है कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, साथ ही उन्हें ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा। तो मोदी कैबिनेट ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है और 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहा है यूपीएस। आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे, विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 इयर्स। यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रोरेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। केंद्र सरकार ने आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। कल दरअसल ये मंजूरी दी गई यूपीएस पर। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। ये कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का स्वागत किया है और उन्होंने लिखा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी गई है, जो कि अभिनंदनीय है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को ये लाभान्वित करता युगांतरकारी निर्णय उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा और सुखद भविष्य की सुनिश्चितता का एक नया सूर्योदय लेकर आया है। पीएम मोदी का आभार उन्होंने जताया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें मायावती के पक्ष में बातें लिखी गई। थोड़ी ही देर बाद मायावती ने पोस्ट कर अखिलेश का आभार भी जता दिया। ऐसे में मायावती का यह बयान बीएसपी और एसपी के बीच नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर जो चर्चा है उसे हवा दे सकता है। साथ ही बात करेंगे 2027 के लिए क्यों अखिलेश को है पीडीए पर ही भरोसा। देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया है। दरअसल मथुरा के बीजेपी विधायक के जरिए मायावती पर लगाए गए आरोपों के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी के विधायक को जवाब दिया था। इसके लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश का धन्यवाद किया। मायावती ने अखिलेश के समर्थन की सराहना की। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा था, बीजेपी विधायक ने पूर्व महिला सीएम के लिए अभद्र शब्द कहे, ये दर्शाता है कि बीजेपी के मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है, खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के लिए कितनी कटुता भरी है।
बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर गलती की थी। पूर्व महिला सीएम पर किस आधार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए? अखिलेश के सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट के बाद मायावती ने भी अखिलेश की तारीफ करते हुए उन्हें आभार जता दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, एसपी मुखिया ने बीजेपी विधायक को जवाब दिया, बीजेपी विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब दिया, बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी उनकी आभारी है। मायावती का यह बयान बीएसपी और एसपी के बीच राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाओं को हवा दे सकता है। दोनों पार्टियां कई मुद्दों पर एक दूसरे की विरोधी रही हैं, लेकिन इस मामले में अखिलेश यादव का मायावती के समर्थन में खड़े होना नए संकेत देता है। यूपी में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें पहली बार मायावती ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में मायावती का एसपी के लिए नर्म रुख क्या नए समीकरण की ओर इशारा कर रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। यूपी में उपचुनाव के साथ ही अखिलेश यादव की नजर अब 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है, जिसकी रणनीति पर अभी से काम करना शुरू कर दिया गया है। एसपी अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव में 300 पार का लक्ष्य तय किया है। पार्टी मुस्लिम और यादव की जगह पीडीए के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी सब जात धर्म की पार्टी है। समाजवाद का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना और संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से ऐसी नीतियां बनाना कि गरीब और कमजोर वर्गों को ज़्यादा हिस्सा मिले, हक मिले, सम्मान मिले, और इस तरीके से जो इतिहास में कुछ ऊंच नीच हुई है वो दूर करके बराबरी, एक बराबर बराबरी पे आधारित समाज बना सकें, इसलिए सबको साथ लेके चलेगी। पीडीए हमारी रणनीति है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की योजना है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। उसका कहना है कि इस बार जनता समाजवादी पार्टी की पोल खोलेगी। कुल मिलाकर चुनाव के बाद पीडीए में से अखिलेश यादव ने पीडी को डिलीट कर दिया, केवल तुष्टिकरण के लिए अल्पसंख्यक की बात करने लगे। अब 2027 के चुनाव में जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को 2017 की जो 47 सीटें थी उसके भी नीचे भेजेगी। वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं कि अखिलेश के 300 पार के नारे में कितना दम है ये वक्त बताएगा, क्योंकि इसमें अभी काफी समय है। बीजेपी अभी भी प्रदेश में काफी मजबूत है। योगी ने जिस तरह का एक माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया है अपने मुख्यमंत्री तौर पे काम करने के तरीके को लेकर, क्या वो भी कमज़ोर साबित होगा? तो मुझे लगता है ये अखिलेश यादव की ओर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को उत्साहित करने का एक नारा है कि अब की बार 300 पार उत्तर प्रदेश में वो करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, कांग्रेस के साथ क्या समीकरण बैठेगा ये भी देखना बाकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी समय है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी चाहती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उसका प्रदर्शन बेहतर हो। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कासना थाना क्षेत्र के घगोला की घटना बताई गई। फतेहपुर में बेकाबू ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और घायल को अस्पताल में पहुंचाया है। घटना ललौली थाना क्षेत्र के दत्तौली पुल के पास की बताई गई। रायबरेली से अगली खबर, जहां पर शवदाह गृह गंगा में आए जलस्तर बढ़ने के चलते बह गया। शवदाह गृह का आधे से ज्यादा हिस्सा गंगा में डूब चुका है। लोगों के बैठने की जो व्यवस्था की गई थी वो भी कटान के चलते जलमग्न हो गई। अब स्थानीय लोगों को अंतिम संस्कार के लिए दूसरे घाटों में जाना पड़ रहा है। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द शवदाह गृह का निर्माण कराया जाए। मामला सरेनी ब्लॉक क्षेत्र के रालपुर गंगा घाट का है। और अगली खबर हाथरस से है, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां चल रही हैं। 25 से 26 अगस्त को मनाए जाने वाले
इस पर्व के लिए बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। लोग तरह तरह की पोशाकें, मुकुट, बांसुरी और ठाकुर जी की साज सज्जा की सामग्री खरीदने में व्यस्त हैं। मंदिरों की साफ सफाई, सजावट और लाइटनिंग का काम भी पूरा हो चुका है। बिजनौर से खबर है जहां पर स्कूल की मुस्लिम टीचर पर आरोप है कि वो स्कूल आने वाले हिंदू बच्चों को तिलक ना लगाने को कहती है, यानी कि तिलक लगाने को मना करती है और मुस्लिम बच्चों को टोपी लगाने को कहती है। कई बार टीचर पर हिंदू छात्रों के माथे से तिलक हटाने का भी आरोप लगा है। हिंदू छात्रों का कहना है कि टीचर मुस्लिम बच्चों को टोपी लगाकर स्कूल आने को कहती है। मामला भनेड़ा गाँव के उच्च माध्यमिक स्कूल का है। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि उनको मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली। इस मामले में बीएसए ने बताया कि मामले की जांच तत्काल प्रभाव से एबीएसए को सौंपी गई है। जो मुस्लिम टीचर है तन्वी राय का, तो वो बच्चों को तो तिलक लगाने से मना करता, तो उन बच्चों ने जो घर जाकर वो शिकायत की, फिर जो है यहाँ अभी परसों तक जो है वो 21 तारीख को कुछ मीडिया वाले भी आए यहाँ पर, उनसे बातचीत हुई। इसमें जो हमारे हिंदू छात्र हैं उनको तिलक लगाने से मना किया जा रहा है और इसमें मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि जांच करा।